दूसरा दिन कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य क्रौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया, तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक-एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है? उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दशार्ण, मगध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण प्रावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु सौवीर, शिबी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कौसल, दरद, शक, शुद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सबके साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंद अनुविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठ पोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे-दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदनंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़ कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने-अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, धृष्टद्युमन, विराट, सात्यकी, पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े-बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने-सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई, तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया? संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब ओर सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीर में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेयी, विराट और धृष्टद्युमन आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर-बितर हो गई। कितने ही सवार
और घोड़े मारे गए, रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9-9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया। इतने में ही सात्यकी, विराट, धृष्टद्युमन, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बींध दिया। यह देख कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्ष नाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ यह बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी यह दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, यह कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के साइकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रण कुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मार काट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युमन और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धृष्टद्युमन और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा,
संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से बींध दिया, तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से बींध डाला। यह देख द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय काल दंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया और उसके 3 टुकड़े कर डाले। यह देख उसने पुनः 5 बाणों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट दिया, फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके 4 घोड़ों को भी मार डाला। सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई, तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बींध डाला और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंग राज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ आई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदनंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंग राज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंग राज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए। यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षाकाल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंग राज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिंग राज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंग राज के क्रोध की सीमा न रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया।
भीमसेन भी बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगे। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता हैं। इतने में भीमसेन पुनः भयंकर सिंह नाद करके हाथ में तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दो टुकड़े हो गए। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े-बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान वे शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे, कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूदकर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचलकर मार डाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया और कितने ही वीरों को अपने असह्य वेग से धराशायी कर दिया। कितनों ने ही तो इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। यह सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेरकर चढ़ आई। उसके मुहाने पर श्रुतायु को खड़े देख भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देख श्रुतायु ने भीम की छाती में 9 बाण मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने में ही अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुतायु पर धावा किया। श्रुतायु ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगा। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाणों से श्रुतायु को बींध डाला। साथ ही 2 बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। यह देखकर कलिंग वीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, रिष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण कर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदनंतर
भीष्म जी ने अपने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला, तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे, तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युमन वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशीय वीरों से मिले। सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंग राज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यूह बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े-बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे। परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। धृष्टद्युमन, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाहन का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युमन अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन तीन महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10 बाणों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युमन पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युमन को अश्वत्थामा के साथ भिड़े देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को बींध दिया। महाराज, इतने में ही आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाणों से बींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को बींध डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। यह देख कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदनंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। यह देख अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ आए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष, दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़-छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो-जो सामने जाता, वही-वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे,
तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने-अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, हमारी यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है। अतः इस समय तो सेना को समेट कर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आईं। तीसरा दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान युद्ध। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्र भाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ त्रयगर्त, कैकेयी और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सौवीर और पंचनद देशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठ भाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंद तथा अनुविंद उस व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दासेरक गण उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडी वृष आदि योद्धा बृहद बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए। अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखी तो धृष्टद्युमन को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न-भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद नील और नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युमन और शिखंडी, पंचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के पांच पुत्र थे, फिर अभिमन्यु और इरावान थे। इसके पश्चात कई-कई वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तदनंतर युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ दुंदुभियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नर वीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए, उसमें भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकी, चेकीतान और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे,
जैसे देवता दानवों को। इस प्रकार आपस में मार काट करते हुए वे खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ आए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिग, प्रास, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्त लाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुहदवर्ग तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युमन से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस समय आपकी, आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हो तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन, एक दो बार नहीं, अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया, इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठा ना रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल का तुमुल नाद करने लगे। भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का पुरुषार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे दुखी पुत्र ने उकसाकर भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजयी पांडव अपनी विजय की खुशी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्म जी तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े। उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगों में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ कट कट कर जमीन पर गिरने और तड़पने लगे।
कितनों के तो सिर ही कटकर गिर गए, मगर धड़ धनुष बाण लिए खड़े ही रह गए। खून की नदी बह चली। उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है। उस समय भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके वेशधर सांपों के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब ओर विचर रहे थे कि पांडव उन्हें हजारों रूपों में देखने लगे। मानो भीष्म ने माया से अपने अनेकों रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा, उन्होंने ही उसी समय आंखें फेरते ही पश्चिम में भी देखा। एक ही क्षण में वे उत्तर और दक्षिण में भी दिखाई पड़े। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे ही वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीष्म जी को नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहां अमानव रूप से विचर रहे थे। उनके पास हजारों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह कांप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्ध में देववश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला तथा मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणों से हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे, उन सबको मार डालूंगा। अब उस प्रतिज्ञा को सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन, देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर बितर हो गई है और ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को देखकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हों। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले, अच्छा, अब आप घोड़ों को हांकिए और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म जी के पास रथ ले चलिए। मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूं। तब माधव ने घोड़ों को हांक दिया और जहां भीष्म जी का रथ खड़ा था, उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया और उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ घोड़ों और सारथी के साथ बाणों से छिप गया, दिखाई नहीं देता था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे। वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बराबर आगे बढ़ाए ही चले गए। इसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और तीन बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा, अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की यह फुर्ती देखकर भीष्म ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुमने खूब किया। यह महान पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। करो, मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार पार्थ की बढ़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रता पूर्वक
मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्राय विफल कर देते थे। यह देख भीष्म ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्टपति, विंद, अनुविंद और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौ वीर, बसाती, क्षुद्रक और मालव देशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आए। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियों के झुंड से घिर गए। उन्हें इस अवस्था में देख वीर सात्यकी सहसा उस स्थान पर आ पहुंचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया। उसने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती देखकर कहा, क्षत्रियो, तुम कहां चले? यह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। वीरो, अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीर धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव सेना के प्रधान प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्म जी प्रचंड होते जाते हैं। यह बात उनसे सही नहीं गई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनी वंश के वीर जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाव्रती भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूंगा तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदृश अमोघ था। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सिंह मदांध गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर बढ़े। उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर का छोर ऐसा शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए वे बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय कालीन संवर्तक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने को उद्यत हो। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ से आज यदि मैं मारा जाऊंगा तो इहलोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवन, स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और दसवें कदम पर पहुंचते पहुंचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए।
आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूँगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने पांच जन्य शंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया। उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरी श्रवा ने अर्जुन पर सात बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी सात बाण मारकर भूरी श्रवा के बाणों को काट दिया। शूर से दुर्योधन का तोमर काट डाला और एक-एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टूक-टूक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। देखने में वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीर में घुस जाते थे। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को आच्छन्न कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी। रक्त की नदी बहने लगी। कौरव सेना के प्रमुख वीरों का नाश हुआ देखकर चेदी, पंचाल, करुष और मत्स्य देशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाद करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया। तदनंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो रहे थे। युगांत काल के समान सब ओर फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए असह्य हो चुका था। इन सब बातों का विचार करके संध्या काल उपस्थित देख भीष्म, द्रोण, दुर्योधन और बाहलीक आदि कौरव वीर सेनापति सहित शिविर को लौट आए। अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के सहित छावनी में चले गए। कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे, अहो, आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अंबष्टपति, श्रुतायु, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बहलीक, भूरी श्रवा, शल, शल्य और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई है। सायम्नी पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, रात बीतने पर चौथे दिन प्रातः काल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के सहित शत्रुओं के सामने आए। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बहलीक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविंशति, दुर्योधन और भूरी श्रवा भी उन्हीं पर टूट पड़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगण में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया
इस प्रकार कुरु और सृंजय वीरों ने भीष्म और अर्जुन का वह अद्भुत द्वंद युद्ध देखा। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वथामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सायमनी के पुत्र ने घेर लिया। उन पांच पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा पांच हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्रों ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गई है, तो उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया। उसने एक बाण से अश्वथामा को और पांच से शल्य को घायल कर आठ बाणों द्वारा सायमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आती देख उसे भी एक पैने बाण से काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वथामा, सायमनी और शल इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे टिक नहीं सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगर्त, मद्र और कैकेयी देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। यह देखकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युमन अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और कैकेयी देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने 10 बाणों से 10 मद्र देशीय वीरों को, एक से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला। इतने में ही सायमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युमन को और 10 से उसके सारथी को बींध दिया। तब धृष्टद्युमन ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से सायमनी पुत्र का धनुष काट डाला तथा 25 बाण छोड़कर उसके घोड़ों को और रथ के इधर उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। सायमनी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा। यह देखकर धृष्टद्युमन ने क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गदा की चोट से ज्यों ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूटकर दूर जा पड़ी। इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। जब सायमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टद्युमन की ओर चला। वे दोनों वीर आमने-सामने आकर रणांगण में भिड़ गए तथा कौरव, पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। सायमनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युमन के 3 बाण मारे तथा दूसरी ओर से शल्य ने भी उस पर प्रहार किया। शल्य के 9 बाण लगने से धृष्टद्युमन को बड़ी व्यथा हुई। तब उसने क्रोध में भरकर फौलाद के बाणों से मद्रराज की नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप से चलता रहा। उनमें किसी की भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई। इतने में ही महाराज शल्य ने एक पैने बाण से धृष्टद्युमन का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्रराज के रथ की ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विविंशति, दुर्मर्शन, दुसह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरोमित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, धृष्टद्युमन, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर
बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडवों के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर 4 तीखे बाणों से धृष्टद्युमन को बींध दिया तथा दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुःसहन ने 7, विविंशति ने 5 और दुःशासन ने 3 बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युमन ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पुरोमित्र को बींध दिया। नकुल और सहदेव ने अचरज सा दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे-तीखे बाण चलाए। तब शल्य ने भी अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माद्री कुमार नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर भी नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा, तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए एक गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डरकर भाग गए। तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रण क्षेत्र में विचरने लगे। उस समय भीमसेन की दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन्न से हो गए। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युमन, ये पांडव पक्ष के वीर, भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पैने बाणों से मागधी सेना के गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। यह देखकर मगधराज ने अपने ऐरावत के समान विशाल काय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर पेल दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम-घूम कर हाथियों को मारने लगे। उस समय हमने भीमसेन के एक-एक प्रहार से ही हाथियों को लोटपोट होते देखा था। क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर-उधर भागकर आपकी ही सेना को रोंदे डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर ही रण आंगन में नृत्य कर रहे हों। इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उसने भीमसेन पर 6 बाण छोड़े तथा दूसरी ओर से दुर्योधन ने 9 बाणों से उनके वक्षय स्थल पर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले, देखो ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने 3 बाण नंदक की छाती में मारे। इधर दुर्योधन ने भी 60 बाणों से भीमसेन को और 3 से उनके सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 पैने बाण छोड़कर उसने हंसते-हंसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीमसेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पैने-पैने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने में ही भीमसेन को चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधन पर पहले 3
और फिर 5 बाण छोड़े। इसके बाद 25 बाण राजा शल्य को मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए। तब आपके 14 पुत्र सेनापति सुषेण, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलो, दुर्मुख, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ आए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया। आपके पुत्रों को अपने सामने देख महाबली भीमसेन उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर उन्होंने गरुड़ के समान लपक कर एक पैने बाण से सेनापति का सिर काट डाला। 3 बाणों से जलसंध को घायल करके यमपुर भेज दिया। सुषेण को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया तथा 70 बाणों से वीरबाहु को उसके घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित धराशायी कर दिया। इसी तरह उन्होंने भीम, भीमरथ और सुलोचन को भी सब सेनानियों के देखते-देखते यमराज के घर भेज दिया। भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर-उधर भाग गए। तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा, देखो यह भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है। अरे इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो। भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत्त अपने मदोन्मत हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक दिया। अभिमन्यु आदि वीर यह सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया और उनके हाथी को घायल कर डाला। किंतु भगदत्त के हांकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानो काल से प्रेरित यमराज हो। उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों का साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असह्य सा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त ने क्रोध में भरकर एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए। यह देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माला फैलाई जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों का तो हृदय बैठ गया। आधे ही क्षण में वह बड़ा भयंकर रूप धारण किए अपनी ही माया से रचे हुए एरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर दंत गजराज भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा जिससे कि वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़े जोर से चिंघाड़ने लगा। उसका वह भीषण नाद सुनकर भीष्म जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इस समय महान धनुर्धर राजा भगदत्त हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्ष ध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है। इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चलें। यदि उनकी रक्षा न की गई तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो वहां बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है। अतः वीरो शीघ्रता करो, देरी मत करो, आओ अभी वहां चलें। भीष्म जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में चले। उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गरजा।
उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह बड़ा बल वीर्य संपन्न है और इसे अन्य वीरों से सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेगा। अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। बस आज यही युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए। अब शत्रुओं के साथ हमारा कल संग्राम होगा। कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही, इसलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए, किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था। संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे। भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सूत, मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वह किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहां धर्म होता है वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे अवध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्ट चित्त, पाप परायण, निष्ठुर और कुकर्मी हैं, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएं की हैं। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है। इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सुहृद विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार-बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने जैसा सुना है, वह बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्म जी से पूछा, दादाजी, मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोकों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए, पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है और न होगा ही जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर
समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर परम चित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए और वह अद्भुत प्रसंग देखने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभो आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व रूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब ओर आपकी सेना है, यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्व रूप महादेव आपकी जय हो। लोक हित में लगे रहने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर आपकी जय हो। योग के आदि और अंत आपकी जय हो। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं, आपकी जय हो। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है, मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं, आपकी जय हो। शारंग धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी जय हो। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरामय हैं, आपकी जय हो। जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं, सबके आदि कारण हैं, किरणें ही आपके केश हैं, प्रभो आपकी जय हो, जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं, व्यक्त और अव्यक्त सब आपका ही स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई इयता नहीं है। आप स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आपकी जय हो। ब्रह्मन आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन आपकी जय हो। आप स्वयं भू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान सत्य स्वरूप मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव आप ही प्रजापतियों के भी पति पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्व स्वरूप परमेश्वर आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं, दिशाएं बाहु हैं और द्युलोक मस्तक है। अहंकार आपकी मूर्ति देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज वायु सांस और जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी
आपकी जीवा है, वेद आपकी संस्कार निष्ठा है, यह जगत आपके ही आधार पर टिका हुआ है, योग योगीश्वर हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण, आपके तेज पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है, देव हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं, आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं, विष्णु सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है, आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस सर्प पिशाच मनुष्य मृग पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है, पद्मनाभ विशाल लोचन दुखहारी श्री कृष्ण आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं, आप ही संसार के गुरु हैं, आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं, देव आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है, इसलिए विशाल लोचन आप पुनः पृथ्वी पर यदु वंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए, प्रभो धर्म की स्थापना दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए, भगवन वासुदेव आपका जो परम गुह्य स्वरूप है उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। यह देखकर देवता गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की वे कौन थे, उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्म थे जो समस्त भूतों के आत्मा प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं, अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए, सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे, ये शंख चक्र गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये ही परम गुह्य हैं, ये ही परम पद हैं, ये ही पर ब्रह्म हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं, ये ही पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं तथा ये ही परम सुख और परम सत्य है, अतः अपने सुहृदों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे, उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम मतिमान मार्कंडेय और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है, हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेद वेता मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षस ही समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, ये सनातन अविनाशी
सर्वलोकमय नित्य जगदीश्वर जगद्धर्ता और अविकारी हैं, यही युद्ध करने वाले हैं, यही जय हैं और यही जीतने वाले हैं। जहां श्री कृष्ण है वही धर्म है और जहां धर्म है वही जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की भी जय होगी। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन निसंदेह महान है, ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडेय जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम है। सर्ग के आरंभ में इन्होंने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था, तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदि देव और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान की भी इन्होंने ही कल्पना की है, तथा इन्होंने ही दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वराह, नरसिंह और भगवान त्रिविक्रम हैं। ये ही समस्त प्राणियों के माता पिता हैं। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था और न कभी होगा ही। इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। ये ही संपूर्ण भूतों के आश्रय है। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेजह स्वरूप और समस्त लोकों के पितामह है। मुनिजन इन्हें ऋषि केश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिस पर ये प्रसन्न हैं, उसने मानो सभी अक्षय लोक जीत लिए हैं। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है, वह कुशल से रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो, नारद जी ने कहा है, आप साध्यगण और देवताओं के भी देवादि देव हैं, तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतःकरण के साक्षी हैं। मार्कंडेय जी ने कहा है, आप ही भूत, भविष्यत और वर्तमान हैं, तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव हैं, तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन परम रूप है, वह भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं। अंगिराजी कहते हैं, आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे, तथा आप ही समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं। देवल मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शरीर से हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है, तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्ग लोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं, तपह शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं, तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य
और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार हृदय राज ऋषियों के परम आश्रय में भी आप ही हैं। योग वेताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते रहे हैं। राजन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया। अब तुम प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उससे पितामह कहने लगे, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर रूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजेय और अवध्य हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र शैया पर सो गया। भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरी श्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्य उदय हुआ तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गईं। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलने लगे। पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को शेन व्यूह के क्रम से खड़ा किया। उसकी चोंच के स्थान पर भीमसेन, नेत्रों की जगह धृष्टद्युमन और शिखंडी, शिरोभाग में सात्यकी, गर्दन की जगह अर्जुन, वाम पक्ष में अक्षोहिणी सेना के सहित द्रुपद, दक्षिण पक्ष में अक्षोहिणी नायक कैकेयी राज तथा पृष्ठ भाग में द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेन ने मुख स्थान से मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी भी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे। अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर भीष्म जी को बींधने लगे। उन्होंने भीष्म जी के बाणों को रोक दिया और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात याद करके आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं, हम भी आपका और पितामह भीष्म का आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं तक को ललकारने का साहस रखते हैं। फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखते देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पैने पैने बाणों से सात्यकी की हंसली की हड्डी पर प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ
और वे सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बींधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्य ने भीषण बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना आरंभ किया। दिन चढ़ते-चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेकों प्रधान-प्रधान वीर काम आए। इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके पांचजन्य शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी होश नहीं रहा। आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की ही शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए थे कि रथी रथ में से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भीष्म जी ने तोमर, प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी के सहित अर्जुन का सामना किया। इसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ, भीमसेन जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर शल्य के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ, मत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ, द्रुपद, चेकीतान और सात्यकी, आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामा के साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा धृष्टद्युमन के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। युद्ध होते-होते मध्याह्न हो गया। सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा। उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मार काट होने लगी। भीष्म जी ने सब सेना के देखते-देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्म जी ने अपने बाणों से काट डाला तथा एक और बाण छोड़कर भीमसेन के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। इतने में ही सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सात्यकी के घोड़े इधर-उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया। यह देखकर धृष्टद्युमन आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराट ने भीष्म जी पर तीन बाण छोड़े और तीन बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। तब भीष्म जी ने 10 बाणों से विराट को बींध दिया। इसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वत्थामा को बींध दिया। वे बाण अश्वत्थामा का कवच भेदकर उनका रक्त पीने लगे। किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उनमें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। इसी बीच में दुर्योधन ने 10 बाणों से भीमसेन को बींध दिया। तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराज की छाती को बींध दिया।
अभिमन्यु ने 10 बाणों से चित्रसेन पर और 7 से पुरुमित्र पर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्म जी को 70 बाणों से घायल करके वह रणांगण में नृत्य सा करने लगा। यह देखकर उस पर चित्रसेन ने 10 बाणों से, पुरुमित्र ने 7 से और भीष्म जी ने 9 बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाण छोड़ा। अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे-तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रा नंदन ने उसके चारों घोड़ों और सारथी को मारकर अपने पैने बाणों से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों से उसके टूक-टूक कर दिए। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गए। इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का सफाया करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सात्यकी अपना हस्त लाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसके मुकाबले में 10,000 रथों को भेजा, परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुर्धर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरी श्रवा के सामने आया। भूरी श्रवा ने देखा कि सात्यकी ने हमारी सेना को मार गिराया, तो वह क्रोध में भरकर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे? साक्षात मृत्यु थे। सात्यकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके, अतएव उसका साथ छोड़कर इधर-उधर भाग गए। सात्यकी के 10 महारथी पुत्रों ने भूरी श्रवा का यह पराक्रम देखा तो वे क्रोध में भरे हुए उसके सामने आए और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे, किंतु महारथी भूरी श्रवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया। उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर 10 महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन 10 महारथियों ने बाण वृष्टि करते हुए भूरी श्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। यह देख भूरी श्रवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले। अपने महाबली पुत्रों को मरा देख सात्यकी गरजता हुआ भूरी श्रवा से आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे। दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल ले उछलते कूदते आमने सामने आ युद्ध के लिए खड़े हो गए। इतने में भीमसेन ने आकर सात्यकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते देखते भूरी श्रवा को रथ पर बिठा लिया। इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीष्म जी से भिड़े हुए थे। संध्या काल आते आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ 25,000 महारथियों को मार डाला। वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ के प्राण लेने को गए थे, परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। इसी समय सूर्य अस्त होने लगा।
सारी सेना व्याकुल हो रही थी। भीष्म जी के रथ के घोड़े भी थक गए थे, इसलिए उन्होंने सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी-अपनी छावनी में चली गईं। श्रृंजियों के साथ पांडव और कौरव भी अपने-अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने लगे। मकर और क्रौंच व्यूह का निर्माण, भीम और धृष्टद्युमन का पराक्रम। संजय ने कहा, राजन, जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई, तो पुनः सबके सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युमन से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युमन ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुख स्थान में थे। अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये व्यूह के कंठ भाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युमन उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए। कैकेयी देशीय पांच राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती भोज और शतानिक पैरों के स्थान में थे। सोमकों के साथ शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्य उदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे। राजन, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में बहुत बड़े क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे। कंबोज और बाहलिकों के साथ कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र, सौवीर तथा कैकेयों के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा व्यूह के वाम भाग में और तुषार, यवन तथा शक देशीय योद्धा चुचुपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। श्रुतायु, शतायु और भूरी श्रवा ये उस व्यूह की जंघाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्य उदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए नौ बाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्मस्थल में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती है, उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से श्रृंजय और कैकेयी वीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से क्षत विक्षत हो कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोल मेल सा हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार के योद्धा हैं और शास्त्रीय रीति से उसके व्यूह का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग हैं और न बालक ही। बहुत मोटे
और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं, सभी काम करने में फुर्तीले और निरोग हैं। वे कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, शस्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्राय सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण हैं। प्रास, रिष्टि, तोमर, परिग, भिंदीपाल, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है, जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे स्वेच्छा से ही अपने सेवकों सहित हमारी सहायता करने आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और बाहलीक आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुर जी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बातें कहा करते थे, किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धि में आज का यह परिणाम अवश्य आया होगा, तभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसी का दोष नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाता ने पहले से जैसा लिख दिया है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। संजय बोले, राजन, अपने ही अपराध से आपको यह संकट का सामना करना पड़ता है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका ही दोष है। इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्यपूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृत्तांत सावधान होकर सुनिए। भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुंचे। यद्यपि भीष्म जी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे, तो भी दुशासन, दुर्विषह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहां पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए, तथा हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान प्रधान वीरों को मार डाला। कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे, उनका यह निश्चय भीमसेन को मालूम हो गया। तब उन्होंने वहां उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़ उस महासागर के समान सेना में कूदकर उसका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युमन भीमसेन के रथ के पास आ पहुंचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहां मौजूद है। धृष्टद्युमन मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोक, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहाँ है? विशोक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे इस सैन्य सागर में घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत, तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ। तदनंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्टद्युमन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विशोक से कहा, महाबली भीमसेन मेरे सखा और संबंधी हैं, मेरा उन पर प्रेम है और उनका मुझ पर, इसलिए जहां वे गए हैं वहां ही मैं भी जाता हूँ। यह कहकर धृष्टद्युमन चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था, उसी से वह भी सेना के भीतर जा घुसा।
धृष्टद्युम्न ने देखा, जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं, तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रकार से युद्ध करने वाला था। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी द्रुपद कुमार ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मूर्छित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रज्ञा अस्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अभिमन्यु आदि 12 महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके भीम और धृष्टद्युम्न के पास जाएं और उनका समाचार जानें। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए। उस समय दोपहर हो चुकी थी। धृष्टकेतु, द्रौपदी के पुत्र तथा कैकेयी देशीय वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्होंने सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ न हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आते देखा। तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीमसेन को कैकेयी के रथ में बिठाकर अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्य ने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथ से कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठा। उस समय पांडव सेना कांप उठी। आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने लगे। भीम और दुर्योधन का युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों का पराक्रम। संजय ने कहा, तदनंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे वह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डालूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सबका बदला आज तुझे मार कर चुका लूंगा। यह कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से 4 घोड़ों को यमलोक भेज दिया
और दो बाणों से छत्र तथा छह से ध्वजा को काट डाला। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिए वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और कैकेयी देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक इन आठ यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को पांच पांच बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वह सह नहीं सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हों। इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को छेदकर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को घायल देखकर उसके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। दुर्मुख ने 7 बाण मारकर श्रुतकर्मा को बींध डाला, एक बाण से उसकी ध्वजा काट दी, फिर 7 से सारथी को और 6 से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुख का कवच भेदकर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुतसोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयसेन ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानिक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर 10 बाणों से जयसेन को घायल किया। जयसेन के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया। शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद एक बाण से उसके धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसे भी 7 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात एक भल्ल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह बिजली के आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्ण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। यह देख पांचों कैकेयी राजकुमार क्रोध में भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन, शत्रुंजय और शत्रु सह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गईं। तब शांतनु नंदन भीष्म जी भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे।
फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए। छठे दिन के दोपहर तक का युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, तब सब योद्धा अपने-अपने शिविरों में चले गए। रात्रि में सबने विश्राम किया और एक दूसरे का यथा योग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अत्यंत चिंताग्रस्त होकर पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, आपकी सेना बड़ी भयानक है, इसकी व्यूह रचना भी बड़ी सावधानी से की जाती है, फिर भी पांडव पक्ष के महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरों को मार डालते हैं। वे हमारे वीरों को चक्कर में डालकर बड़ी कीर्ति पा रहे हैं। उन्होंने वज्र के समान सुदृढ़ मकर व्यूह को भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीमसेन ने अपने मृत्यु दंड के समान प्रचंड बाणों से मुझे घायल कर दिया। भीम की रोषपूर्ण मूर्ति को देखकर तो मेरे सारे होश हवास उड़ गए थे। अभी तक मेरा चित्त शांत नहीं हो पाया है। महात्मन, आपकी सहायता से मैं तो युद्ध में जय प्राप्त करके पांडवों का काम तमाम कर देना चाहता हूँ। दुर्योधन की यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुस्कुराए और उससे इस प्रकार कहने लगे, राजकुमार, मैं तो अधिक से अधिक प्रयत्न करके पांडवों की सेना में घुसता हूँ। आगे भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर सारी शक्ति से पांडव सेना के साथ संग्राम करूंगा। तुम्हारे लिए मैं यह शत्रु सेना तो क्या, सारे देवता और दैत्यों को मारने में भी नहीं चूकूंगा। मैं पूरी शक्ति से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूंगा। पितामह की यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रातः काल होते ही भीष्म जी ने स्वयं ही व्यूह रचना की। उन्होंने तरह-तरह के शस्त्रों से सुसज्जित कौरव सेना को मंडल व्यूह की विधि से खड़ा किया। उसमें प्रधान प्रधान वीर, गजारोही, पदाति और रथियों को यथास्थान नियुक्त किया। इस प्रकार भीष्म जी की अध्यक्षता में मोर्चे बंदी से खड़ी होकर आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। वे युद्धोत्सुक राजा लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सबके सब भीष्म जी की ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्म जी उनकी रक्षा में तत्पर हैं। यह मंडल व्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिम की ओर रखा गया था। इस परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना का वज्र व्यूह बनाया। इस प्रकार जब व्यूहबद्ध होकर दोनों सेनाएं अपने-अपने स्थानों पर खड़ी हो गईं, तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहनाद करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्य जी विराट के सामने, अश्वत्थामा शिखंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टद्युमन के सामने आए। नकुल और सहदेव ने मद्रराज शल्य पर और अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने इरावान पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे। भीमसेन ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतवर्मा को तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन को रोका। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया। प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने घटोत्कच पर आक्रमण किया। राक्षस अलंबुष रणोन्मत सात्यकी और उसकी सेना पर टूट पड़ा तथा भूरिश्रवा धृष्टकेतु के साथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायु से, चेकितान कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्म जी से ही लड़ने लगे।